देश में फ्लू की तरह हो जाएगी कोरोना की बीमारी, लेकिन वैक्सीन असरदार। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना महामारी जारी है, लेकिन देश के विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ समय बाद कोविड-19 बीमारी इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू की तरह हो जाएगी। इसके साथ ही कहा गया है कि इससे बचने के लिए हर साल कोरोना वैक्सीन लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में डिवीजन ऑफ एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिसीज के प्रमुख ने कहा है कि कुछ समय बाद कोरोना वायरस एंडेमिक स्टेज पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यह हमेशा एक निश्चित आबादी या क्षेत्र में मौजूद रहेगा, लेकिन ये सामान्य बुखार जैसा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वायरस का रूप बदलना यानी म्यूटेशन एक सामान्य बात है और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या होता है एंडेमिक? सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मुताबिक किसी भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक आबादी में किसी बीमारी या संक्रामक वायरस की मौजूदगी या प्रसार को एंडेमिक कहते हैं। जब ये कभी वायुमंडल से कभी खत्म ना हो लेकिन इस सामान्य स्थिति में मौजूद रहे, इसे एंडेमिक का नाम दिया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के विशेषज्ञ समीरन पांडा ने कहा कि इन्फ्लुएंजा, जैसे आमतौर पर फ्लू के रूप में जाना जाता है, 100 साल पहले एक महामारी थी, लेकिन आज ये सामान्य बीमारी है। इसी तरह कोविड-19 के मामले में हम उम्मीद करते हैं कि ये महामारी होने की अपनी वर्तमान स्थिति से धीरे धीरे एंडेमिक हो जाएगी। फिलहाल सिर्फ बुजुर्गों को हर साल कोरोना वैक्सीन लेने की सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कोरोना वायरस म्यूटेशन करता जाता है, हम वैक्सीन में मामूली बदलाव करते रहते हैं, इसलिए इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन संक्रमण से नहीं बचाती, लेकिन बीमारी को गंभीर नहीं होने देती। उन्होंने कहा कि ICMR में हुए प्रयोगों में ये साबित हुआ है कि फिलहाल भारत में मौजूद टीके नए कोरोना वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी हैं। हालांकि अलग अलग वेरिएंट पर इनका अलग अलग असर दिख सकता है। इस दौरान उन्होंने शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को वैक्सीन लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बाद मां में विकसित हुई एंटीबॉडीज स्तनपान के दौरान बच्चे तक पहुंचती है, साथ ही ये बच्चे के लिए काफी मददगार हो सकती है। उन्होंने कहा कि टीके सभी के लिए बिल्कुल सुरक्षित है, जिनमें अस्थमा, धूल एलर्जी, पराग कणों की एलर्जी जैसी सामान्य एलर्जी वाले लोग भी शामिल हैं।